हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइस करेंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इशूज़ का नेक्स्ट uh, पार्ट है एंड इसके अंदर हम कुछ एम सी क्यूज को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट के लिए सो so, ज़्यादा समय ना लगाते हुए आगे बढ़ेंगे एंड लेक्चर को शुरू करने से पहले बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हर लेक्चर में आपको देता हूँ एम सी क्यू कॉम्बो कोर्स को जरूर एक बार देखना है इसका फ्री टेस्ट भी डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक है ठीक है तो परचेज करने से पहले आप फ्री टेस्ट भी देख सकते हो तीन सौ रुपये में पड़ता है आपको ये सिर्फ यू पी एस सी ई पी एफ ओ कोड यूज़ करने के बाद जो फिफ्टी परसेंट ऑफ आपको देता है एंड इसके अंदर आपको फिर पी डी एफ भी मिल जाते हैं जो यूट्यूब के लेक्चर्स हैं उसके लिए फिर आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती चलिए फटाफट से क्वेश्चन के ऊपर आएंगे और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जनवरी 2023 में ना मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने एक स्कीम डिसकंटिन्यू की थी उस स्कीम का क्या नाम था ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बी प्रधानमंत्री जन विकास योजना सी सीखो और कमाओ स्कीम डी पढ़ो प्रदेश स्कीम कौन सी स्कीम को डिसकंटिन्यू किया गया बंद कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने तो आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी पढ़ो प्रदेश स्कीम इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने डिसकंटिन्यू कर दिया खत्म कर दिया पड़ो प्रदेश स्कीम बेसिकली ये एक तरीके से सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड करती थी ओवरसीज जाकर फॉरेन कंट्री में अब्रॉड जाकर के पढ़ाई करने के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स थे ओके एंड दो हजार छ के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था उस टाइम पर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक फिफ्टीन पॉइंट प्रोग्राम दिया था और उसके अंडर ही इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था ठीक है तो इतनी डिटेल अपने लिए सफिशियंट है स्कीम को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है सेकेंड क्वेश्चन Ernst एंड यंग रिपोर्ट इंडियाज इकोनॉमी विल रीच यू एस डी ट्वेंटी सिक्स ट्रिलियन बाय तो ये इकोनॉमिक जो प्रडिक्शन होते हैं जी डी पी क्या होगा या कितना ग्रो करेगा ये कई बार पूछ लेता है एग्जाम के अंदर और ए पी एफ सी और ए ओ यो एग्जाम के अंदर तो डेफिनेटली चांसेस रहेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें ट्वेंटी सिक्स ट्रिलियन तक इंडिया की इकोनॉमी अर्नस एंड यंग के हिसाब से होगी टू थाउजेंड फोर्टी सेवन तक जब हम अपने हंड्रेड ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे होंगे विल रीच अराउंड ट्वेंटी सिक्स

कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ब्रॉन्ज अवार्ड मिला अवार्ड्स में ठीक है तो यहाँ पर दो हिंट्स हैं बेसिकली दोनों हिंट में से अगर एक भी हिंट पता होती तो आंसर इजीली हो जाता हाल फिलहाल यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी ओडिशा उड़ीसा में बेसिकली ये पर्टिकुलर स्कीम जो है उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी जागा मिशन और इसको ब्रॉन्स अवार्ड मिला है तो थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं ओके सो बेसिकली इसको फाइव टी प्रोग्राम क्यों बोला जाता है बेसिकली जागा मिशन जो है ये हैबिटेट इम्प्रूवमेंट मिशन ही है कि कैसे जो स्लम एरियाज हैं उनको अपग्रेड किया जा सकता है ओके एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम अपग्रेडिंग इनिशियटिव है ये दुनिया का तो जागा मिशन ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट का है और हैबिटेट इंप्रूवमेंट का मिशन है ये याद रखना है और वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 में इसको ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है ये भी याद रखना नेक्स्ट नेम द कंट्री नेम विद विच कंट्री इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली कंडक्टेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज साइक्लॉन वन एट जैसलमेर राजस्थान मैं आपको uh, एक लेक्चर के अंदर जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज पिछले साल में हुई हैं वो सारी कवर हम करेंगे ठीक है uh, पिछले uh, नौ दस महीने की मिलिट्री एक्सरसाइजेज हम देखेंगे बट ये वाली एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला एडिशन था पहली बार हुई है तो जब पहला एडिशन या पहली बार होने वाली जो एक्सरसाइज होती है डेफिनेटली वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है सो फर्स्ट एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज साइक्लोन वन एट जैसलमेर राजस्थान ये हमने कंडक्ट की थी थाईलैंड के साथ ठीक है थाईलैंड के साथ तो आंसर यहां पर आपका डी होगा साइक्लोन वन ओके बेटा इसमें ना आंसर ये शायद गलत मार्ग है थाईलैंड नहीं है मेरे को वही uh, लग रहा था कि थाईलैंड आंसर इसका नहीं होना चाहिए इजिप्ट आंसर है बेटा आंसर सी है इसका ठीक है मैं भी ऑप्शन देख करके कंफ्यूज हो गया कि मैंने यहाँ पर डी मार्क किया हुआ तो डी आंसर होगा बट आंसर इसका सी है साइक्लोन वन जो है वो इजिप्ट की आर्मी के साथ की थी तो थाईलैंड आंसर नहीं होगा थाईलैंड गलत है इसका आंसर ओके फिफ्थ क्वेश्चन नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज रिसेंटली इशूड द गाइडलाइन एंडोर्समेंट नो हाउस फॉर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स टू डिस्क्लोज द प्रमोशनल कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज तो बेसिकली आप देख रहे हो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रही है बहुत बड़े लेवल पे सोशल इन्फ्लुएंसर्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं ठीक है और आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट करियर है अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो तो जितना पैसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमाते हैं उतना पैसा हिंदुस्तान में एक जॉब करने वाला आदमी तो कमा ही नहीं सकता छोड़ो और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी नहीं कमा रहे उतना पैसा तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये प्रोडक्ट्स एंडोर्स करते हैं तो उनके लिए मिनिस्ट्री गाइडलाइंस लेकर के आई है ताकि जो प्रमोशन हो रहा है जिन प्रोडक्ट्स का उनका कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कम्पलीटली होनी चाहिए सोशल इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर तो ये गाइडलाइंस किसने इशू की हैं दीज हैव बीन इशूड बाय योर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन किस स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो हिंदुस्तान की पहली ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगी बाय द एंड ऑफ 2025। फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ 2025। ऑप्शन ए गुजरात बी उत्तराखंड सी उत्तर प्रदेश डी हिमाचल प्रदेश तो यहां पर आपका क्या सही आंसर होगा आंसर इज ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश इज क्लेमिंग बाई ट्वेंटी इट विल बिकम द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट ऑफ इंडिया सेवेंथ क्वेश्चन लॉस एंड डैमेजेस फंड लॉस एंड डैमेजेस फंड से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है पहला कहता है कि ये ग्लोबल क्लाइमेट फोरम का इनिशिएटिव है दूसरा कहता है कि ये जो फंड है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा पुअर नेशंस को जो क्लाइमेट डिजास्टर के साथ डील कर रहे हैं तीसरा कहता है द सेंटियागो नेटवर्क ऑन वर्ल डेवलपिंग कंट्रीज इज एसोसिएटेड विद दिस फंड सेंटियागो नेटवर्क जो है इसके साथ एसोसिएटेड है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी पहला स्टेटमेंट गलत है ग्लोबल क्लाइमेट फोरम का इनिशिएटिव नहीं है ये और बाकी के दो स्टेटमेंट्स ठीक हैं थोड़े डिटेल में देखते हैं इस फंड के बारे में तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको आप सीओपी ट्वेंटी सेवन बोलते हो इजिप्ट के अंदर हुआ था मैंने आपको पहले भी बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से क्वेश्चन आने के काफी हाई चांसेस हैं और इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के अंदर सीओपी ट्वेंटी सेवन के अंदर एक एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया जिसको बोला गया लॉस एंड डैमेजेस फंड अब ये फंड बेसिकली क्या बोलता है ये कहता है जो वनरेबल कंट्रीज हैं और जो पुअर हैं कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा जिनके ऊपर बर्डन आ रहा है क्लाइमेट डिजास्टर का उनको हेल्प करेगा ये फंड क्लाइमेट लिंक्ड डिजास्टर्स के साथ डील करने में लेकिन अभी भी इस फंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को अनसर्ड छोड़ा गया है कि इस फंड को मैनेज कौन करेगा ठीक है आ, ये सारी बातें जो है वो नेक्स्ट सीओपी के ऊपर छोड़ दी गई हैं ओके एंड सीओपी ट्वेंटी सेवन आपका यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का पार्ट है तो क्वेश्चन के अंदर पहला स्टेटमेंट था कि ग्लोबल क्लाइमेट फोरम का इनिशिएटिव है इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट को हम ऑलरेडी जस्टिफाई कर चुके हैं अब सेंटियागो नेटवर्क क्या है जिसपे आपका थर्ड स्टेटमेंट बेस्ड था तो सीओपी ट्वेंटी सेवन के अंदर ही जो कंट्रीज थी उन्होंने एक और डिसीजन लिया कि सेंटियागो नेटवर्क को यूज किया जाएगा लॉस एंड डैमेज के लिए तो बेसिकली नेटवर्क है क्या ये बेसिकली टेक्निक टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग कंट्रीज को जो वनरेबल है क्लाइमेट चेंज से ओके तो बेसिकली लॉस एंड डैमेज फंड इस सेंटियागो नेटवर्क यानी कि टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए भी इस फंड को एक तरीके से यूज किया जाएगा तो अब आपको यह भी पता चल गया लॉस एंड डैमेज फंड क्या है आपको सेंटियागो नेटवर्क के बारे में भी पता चल गया बेसिकली सेंटियागो नेटवर्क अगर आपसे पूछ ले कि ये एम क्या करता है ये एम करता है टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का डेवलपिंग कंट्रीज को स्पेशली वो डेवलपिंग कंट्रीज जो एडवर्स क्लाइमेट चेंज से वनरेबल है नेक्स्ट क्वेश्चन जीवन प्रमाण से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है पहला कहता है कि इट इज बायोमेट्रिक एनेबल्ड डिजिटल सर्विस फॉर पेंशनर्स टू अवेल देयर लाइफ सर्टिफिकेट अच्छा जो डिजिटल सर्विस है पेंशनर्स के लिए है और डिजिटली वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट अटेन कर सकते हैं मोटी मोटी बात यही बोल रहा है ना ये दूसरा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉज जो हैं वो इस बेनिफिट को ले सकते हैं तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक रिवेन्स एंड पेंशन की स्कीम है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इन करेक्ट है देखो अब इसके अंदर ना ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट देखकर ही मेरा माथा खट, खटक जाता है कि यार स्टेट गवर्नमेंट वालों ने कुछ गलत थोड़ी किया टू तो, only वाला तो इसमें point होना ही चाहिए तो तो क्योंकि टू इन करेक्ट है तो इसका मतलब ए और बी में से है सी और डी इसका आंसर ही नहीं है क्योंकि टू नहीं है यानी कि वन तो हंड्रेड परसेंट करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि वो हमारे आंसर में है ही नहीं अब हमें ये डिसाइड करना है कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन बी टू एंड थ्री दोनों स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट है तो जीवन प्रमाण या डिजिटल सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो बेसिकली डिजिटाइज करने की बात कर रहा है देखो पेंशन के लिए ना आपको एक लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए होता है जिससे बेसिकली पेंशन अथॉरिटीज को पता चल जाता है दैट इट इज यू हु इज टेकिंग योर पेंशन ताकि फ्रॉड पेंशन का बर्डन ना रहे सरकार के ऊपर और ये बेसिकली डिजिटाइज होने के बाद क्या होगा हेसल फ्री हो जाएगा पेंशनर्स को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे इधर उधर ऑफिस के और सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो वो इस फैसिलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं और स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है ठीक है इसीलिए आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत था ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर फेमाइन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ओके सो पहला स्टेटमेंट कहता है कि एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज फेसिंग एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज थर्ड

चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको करेक्ट बताना या पर आपका है पहले दो स्टेटमेंट सही है ओके चलिए देखते हैं एक बार इसको तो फेमीन की अगर हम बात करें तो बेसिकली जहां पर सिवियर हंगर होता है वाइड स्प्रेड है एंड पीपल जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं लोग मरना शुरू हो जाते हैं स्टारवेशन की वजह से भूखमरी की वजह से यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से तीन कंडीशंस होती हैं 20 परसेंट पॉपुलेशन एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज पे हैं 30 परसेंट बच्चे माल न्यूट्रिशन से सफर, सफर कर रहे हैं और एटलीस्ट दो लोग मर रहे हैं आउट ऑफ एवरी 10,000 थाउजेंड इनहेबिटेंट हर रोज ड्यू टू स्टारवेशन ठीक है दो लोग दस हजार में से पर दस हजार दो लोग तो उस केस में ओके तो ये तीन कंडीशन हैं यूनाइटेड नेशंस की अब फेमीन को डिक्लेयर करने का डिसीजन जो है वो सरकार का होता है और यूनाइटेड नेशंस भी सरकार को रिकमेंड कर सकता है अब अगर यूनाइटेड नेशंस रिकमेंड करता है सरकार को कि फमीन डिक्लेयर कर दो तो उस पर उससे कोई ऑब्लिगेशन नहीं आ जाती सरकार के ऊपर वो चाहे ना भी करें और फमीन डिक्लेयर होने के बाद भी किसी तरह की कोई यूनाइटेड नेशंस के ऊपर या यूनाइटेड नेशन के बाकी मेंबर्स के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है अब अगर कल को पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन और पाकिस्तान कह दें कि फेमीन है तो ऐसा नहीं है कि यू के बाकी मेम्बर्स के ऊपर कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई या कोई ऑब्लीगेशन गई कि भाई आपको इतना देना ही देना है नहीं कोई ऑब्लीगेशन नहीं है इससे क्या होता है बस एक ग्लोबल अटेंशन मिलने में हेल्प मिलती है कंट्री को ताकि जो वेरियस फिलंथ हैं या कंट्रीज हैं वो हेल्प कर सकें एमरजेंसी के अंदर एड प्रोवाइड करने में ठीक तो है है तो तो ये मेन मोटिव होता यूनाइटेड नेशन की तीन कंडीशंस आपने याद रखनी है टेंथ क्वेश्चन नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड से रिलेटेड क्वेश्चन है पहला कि ये एक की बॉडी है जिसको कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट नाइनटीन के अंदर स्टेब्लिश किया गया था दूसरा इट हैंडल्स द सिक्योरिटीज हेल्ड एंड सेटल्ड इन डी मेटेरियलाइज फॉर्म इन द इंडियन कैपिटल मार्केट अच्छा जी बेसिकली जो शेयर मार्केट के अंदर शेयर होते हैं उसको ये अपने पास रखती है सीधी भाषा में देसी भाषा में सेबी के अंडर आती है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आपके दोनों करेक्ट है तो एनएसडीएल के बारे में देखें

पहला द पावर अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर इन पार्ट फिफ्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के हम बोलते हैं कि आर्टिकल्स तो सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद करने हैं सारे के सारे नहीं करने होते जो इंपॉर्टेंट है ठीक है लेकिन आपने पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के ये तो आपकी टिप्स के ऊपर होने चाहिए पार्ट्स और शेड्यूल अगर आपने पार्ट्स और शेड्यूल अभी तक नहीं याद किए अच्छे से तो याद कर लो सेकेंड स्टेटमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर जो है वो छः साल या अप टू द एज ऑफ सिक्सटी टू जो भी पहले हो जाएगा ओके okay. थर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन द सेम मैनर एंड ऑन सेम एज अ अ जज जज ऑफ सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट कि जैसे Supreme Court के का रिमूवल होता है वही प्रोसेस आपको सी के रिमूवल का भी करना पड़ेगा अगर आपको टर्म खत्म होने से पहले उनको रिमूव करना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन है वन एंड थ्री सेकंड स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं थी लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिक्सटी टू जो मैं ये सिक्सटी फाइव होना था ठीक है तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया नहीं तो बाकी बिल्कुल ठीक है तो इलेक्शन कमीशन को देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना है एंड इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूनियन और स्टेट इलेक्शन को ये देखता है जो पंचायत या लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है पावर अपॉइंटमेंट ड्यूटीज जो होती है इलेक्शन कमीशन के वो पार्ट फिफ्टीन के अंदर है तो पार्ट बिल्कुल करेक्ट था जो आपका आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर टू थ्री ट्वेंटी आता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर भी गिवन है कॉम्पोजिशन ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था लेकिन अगर हम करंटली बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और जो भी डिसीजन होते हैं वो मेजोरिटी वोट से होते हैं ठीक है यानी कि तीन लोग हैं तो दो लोग जिस चीज़ को एग्री करेंगे उसके ऊपर डिसीजन होगा अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात करें तो चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो दोनों की अपॉइंटमेंट प्रेजिडेंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दोनों का टर्म जो है वो सिक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर में स्टेटस सैलरी सब सेम होता है है ठीक और जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो स्टेटस सैलरी और पर्कस होते हैं वही सेम जो है इलेक्शन कमिश्नर का भी होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है अगर तो उसका इम्पीचमेंट करना पड़ेगा पार्लियामेंट में ठीक है Uh, जो इलेक्शन uh, कमिश्नर है वो रिजाइन भी कर सकते हैं और उनको रिमूव uh, किया जा सकता है उनके लिए इम्पीचमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है इलेक्शन कमिश्नर के लिए एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ प्रेसिडेंट हटा सकते हैं जस्ट लाइक अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के जज का भी इम्पीचमेंट होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी आपको इम्पीचमेंट ही करना पड़ेगा ओके ट्वेल्थ एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स पहला दे आर वेल डिफाइंड यूनिक एंड कॉम्प्राइज ऑफ इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम इकोलॉजिकली सेंसिटिव जो इकोसिस्टम होते हैं दूसरा स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज के साथ कंसल्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकता है थर्ड विलेज in इन तमिलनाडु इज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन इंडिया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है देखो यहां पर आपका स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है दैट इज ऑप्शन सी थ्री ओनली ठीक है आंसर यहाँ पर आपका थ्री ओनली होने वाला है क्योंकि अरितापत्ति तमिलनाडु का पहला बायोडाइवर्सिटी साइट है लेकिन इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट नहीं है ओके तो आंसर देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज के साथ कंसल्ट करने के बाद डिक्लेयर कर सकता है एक एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट यूनिक होते हैं ये एरियाज और इकोनॉमिकली सेंसिटिव होते हैं टेरिटोरियल हो सकते हैं कॉस्टल हो सकते हैं इनलैंड वाटर हो सकता है अमीनपुर लेक पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट था इंडिया का 2017 में इसको डिक्लेयर किया गया था उड़ीसा के अंदर और अभी रिसेंटली अरितापत्ती विलेज को भी डिक्लेयर किया गया था ये तमिलनाडु के अंदर है ओके सो इसीलिए आपका सिर्फ ये तमिलनाडु वाला पॉइंट जो है वो गलत था ओके चलिए सो दीज वर द क्विक ट्वेल्व क्वेश्चन गाइज अच्छा क्राइटेरिया भी यहाँ पर मैंने ऐड किया क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बी एच एस ओके तो सबसे पहले तो नेचुरल सेमी नेचुरल या मैन मेड भी हो सकता हैबिटैट जो बेसिकली सिग्निफिकेंट डाइवर्सिटी हो लाइफ फॉर्म्स के अंदर तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल है मैन मेड हैबिटाइट भी हो सकता है जैसे डैम्स वगैरह जो होते हैं ओके okay, एंड ये वो एरियाज भी होते हैं जहाँ पर डोमेस्टिकेशन का भी आपको बहुत अच्छे साइंस देखने को मिलते हैं जैसे यूनिक जो एग्रो इको डेवलप होते हैं लोकल और ट्रेडिशनल कम्यूनिटीज़ की जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं एंड बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे सेक्रेट ग्रूव्स ट्रीज कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज भी हो सकते हैं ऑलराइट right. या फिर ऐसे कॉरिडोर्स जो एंडेमिक फोना या फ्लोरा को रेफ्यूज या कॉरिडोर प्रोवाइड करते हैं तो ये सब जो है बी एच के लिए क्राइटेरिया है जिसको यूज किया जाता है सो दिस इज इट गाइज दीज ऑर द्विक ट्वेल्व क्वेश्चन वीडियो वेरी 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 सून एज द एग्जाम इज वेरी नियर कोई भी डाउट हो प्लीज डू आस्क इन टेलीग्राम कमेंट और व्हाट्सएप एंड चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय